मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी के समर्थन में रोड शो निकाला गया था। उस रोड शो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उपस्थित थे, उनके नेतृत्व में रोड शो का आयोजन किया गया था। और जिस तरह से रोड शो के दौरान हमारे राष्ट्रनायक, देश के लिए संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप जी का अपमान किया गया, उन्हें अपमानित किया गया और उनकी मूर्ति पर चढ़कर लोगों ने उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया, ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त है। और मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से अपील करता हूँ कि इस प्रकार का व्यवहार, उनका कृत्य निंदनीय है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की गई, वीडियो में सीधे तौर पर है, FIR भी इस पूरे मामले में दर्ज हो गई है। और ये समाजवादी पार्टी की जो वहाँ से प्रत्याशी हैं, सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी हैं डिंपल यादव, उनके रोड शो के बाद ऐसा हुआ, यानी कि PM मोदी पर भी टिप्पणी की गई। पर ये परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग हमेशा PDA की बात करते हैं लोग, लेकिन एक कमज़ोर वर्ग से आने वाले व्यक्ति को, एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को ये लोग सहन नहीं कर पा रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार से कल इन्होंने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उनका जो मूल है, उसे कहीं ना कहीं दर्शाता है। और ये लोग चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी INDIE गठबंधन के लोग हों, ये लोग मुस्लिम तुष्टिकरण में, अल्पसंख्यक वोटों में के कारण इतने अंधे हो गए हैं और उसके लालच में इस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, इसे देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।